मोगा पुलिस नूं नशा तस्करी विरुद्ध विधि मुहिम तहत अज सीए स्टाफ मोगा नूं उस वेले वड्डी सफलता मिली जदों एक कार बाजार संचालक पासों 24 किलो अफीम ते नशा वेच के एकत्र कीते 4 लाख रुपये बरामद किए, जिस दी जानकारी SSP मोगा सुरेंद्रजीत सिंह मंड ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं सांझी कीती। इस मौके उन्हां नाल SPI मोगा जगतप्रीत सिंह, CIA स्टाफ मोगा दे इंचार्ज इंस्पैक्टर किकर सिंह भी मौजूद सन। SSP सुरेंद्रजीत सिंह मंड ने दस्या कि CIA स्टाफ मोगा नूं इतलाह मिली सी कि गुरप्रीत सिंह उर्फ रिंपी, जो करतार नगर वार्ड नंबर 7 मोगा दा वसनीक है, ते ओ अफीम वेचण दा धंधा करदा है, जिस ते कारवाई करदिआं इंस्पैक्टर किकर सिंह ने पुलिस पार्टी समेत नाकाबंदी करके गुरप्रीत सिंह उर्फ रिंपी नूं काबू करके उस दी कार विच्चों 24 किलो अफीम ते 4 लाख रुपये ड्रग मनी बरामद कीती। उन्हां दस्या कि काबू कीते गुरप्रीत सिंह उर्फ रिंपी ते थाणा सिटी मोगा च मुकदमा दर्ज करके अफीम कित्थों लिया के कित्थे कित्थे सप्लाई की जाती सी दी पुछगिछ की जा रही है, जिस पासों पुलिस नूं कई अहम सुराग मिलन की संभावना है। असीं ऑनरेबल CM ते डिप्टी CM साहब कम होम मिनिस्टर ते DGP साहब दे बड़े सख्त निर्देश ने कि असीं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ड्रग्स दे अगेंस्ट। उही मुहिम दे अंडर असीं एक वड्डी कामयाबी हुई है मोगा पुलिस नूं, जिहदे विच SPD साहब SPI साहब दे निगरानी हेठ टीम ने 24 किलो अफीम ते 4 लाख कैश ड्रग मनी रिकवर की है। तो उहदे विच दोषी गिरफ्तार हो चुका है जो मोगे का ही रहने वाला है, गुरप्रीत सिंह एलियस रिंपी सन ऑफ बिकर सिंह, तो वह गिल कार बाज़ार चलाता है। तो बाकी असी वो कितों लैके आता, तो कदों उन्हें कितने सप्लाई करता सी, वो इन्वेस्टिगेशन अजे चल रही है। वो जो हो गई, जो कोई होर अक्यूज्ड भी होया, असी बैकवर्ड्स ते फॉरवर्ड दोनों इन्वेस्टिगेशन करांगे, ते जे कोई होर भी आउंदा है तो असी उन्हें भी अरेस्ट। ये पर 3-4 बार लिया चुका, अगे 3-4 बार लैके आ चुका, ये चौथा गेड़ा सीगा। इन्ना क सानू आइडिया लगे भी दिल्ली साइड तो लैके आना, तो उत्थे इहदा कोई अगे कॉन्टैक्ट हैगा जिहड़ा पिछों सप्लाई लैके आउंदा। केड़ी जगह सप्लाई करना सी? जिवें परचून च वेचदा ना, जे लिया के परचून च वेचना सी इहने। अजे असी उह अंडर इन्वेस्टिगेशन है जी, इनफॉर्मेशन आई सी साडे कोले, तो इनफॉर्मेशन ते वर्क करदे आ, नाका लाया गया सी ते इहदी गड्डी इंटरसैप्ट कीती, तो उहदे विच रिकवरी होई। असी FIR रजिस्टर करती है, हुण असी इन कोर्ट च पेश करके ते फरदर इन्वेस्टिगेशन करांगे। फरदर इन्वेस्टिगेशन दे विच आवेगा, अगर होई तां जरूर असी करांगे।